हेलो हेलो दोस्तों, चलो आज प्लांट किंगडम साथ में पढ़ते हैं एंड इस फास्ट रिविज़न करते हैं। इस मेरे पास एक नोट्स है जिसमें प्लांट किंगडम शॉर्ट नोट्स है। इसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स इंक्लूड है, तो इस नोट्स को देखते हैं। इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड हैं और इन साथ में पढ़ते हैं ताकि प्लांट किंगडम फास्ट रिविज़न हो जाए। तो स्टडी विथ मी प्लांट किंगडम फास्ट रिविज़न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम का सब डिविज़न क्रिप्टोगैमी एंड फनेरोगैमी, ये तो हमें पता है। क्रिप्टोगैमी ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं होते हैं, फनेरोगैमी ऐसे प्लांट जिनमें सीड होते हैं। फनेरोगैमी में जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। क्रिप्टोगैमी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब आगे बढ़ते हैं। थैलोफाइटा इंक्लूड्स ओनली एल्गी, ये भी हमें पता है। ये सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, एल्गी सिंपलेस्ट प्लांट ही होते हैं। इनमें थैलस लाइक फॉर्म होता है, ये भी हमें पता है। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेटेंगिया होता है, ये भी हमें पता है। मतलब थोड़ा थोड़ा चैप्टर हमें याद है ना। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी पढ़ते हैं। एल्गी के जो प्लांट बॉडी थैलस होती है, यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है और पेरेन्काइमेटस होती है। यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, पेरेन्काइमेटस। चलो याद है, जिन्हें याद नहीं है वो साथ में बोल, याद हो जाएगा। यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस एंड पेरेन्काइमेटस। एल्गी में वैस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है, ये तो हमें पता है। अब आगे देखते हैं। एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन यानी कि जूस स्पोर के थ्रू होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गैमेट होता ही, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस के थ्रू होता है। ओगैमस यानी कि वॉल्वॉक्स, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। आइसोगैमस यानी स्पैरोगैरम है। एनाइसोगैमस यानी क्लेमिडोमोनास, ये एग्जाम्पल याद रखना। स्पैरोगैरा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, क्लेमिडोमोनास एंड ओगैमस वॉल्वॉक्स में होता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, नहीं याद है तो दो बार बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगा। एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लोंटिक एंड डिप्लोहैप्लोंटिक होती है। एल्गे सब डिवाइडेड है किसमें, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गे एंड रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। अरे वाह, मुझे तो याद है। चलो यहाँ ग्रीन एल्गी का एक टेबल दिया हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है कि हमें याद ही है। एंड एनसीईआरटी में भी ये टेबल दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो उसे यहाँ भी देख सकते हो एंड एनसीईआरटी के सारे डायग्राम भी देख लेना। तो चलो अब एल्गी देखते हैं। ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर एंड मरैन वाटर में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी मोस्टली मरैन वाटर एंड रेड एल्गी जनरल मरैन वाटर। ओके, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी टाइप के होते हैं, ब्राउन एल्गी में ए एंड सी टाइप के एंड रेड एल्गी में ए एंड बी टाइप के। ओके, ग्रीन एल्गी का रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च। ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड क्या होता है, लैमिनेरिन एंड रेड एल्गी का रिजर्व फूड क्या होता है, फ्लोरिडन स्टार्च। अरे वाह, ये तो बहुत इजी था, याद भी हो गया। ग्रीन एल्गी का सेलवल क्या होता है, सेलुलोज। ब्राउन एल्गी का सेलवल क्या होता है, सेलुलोज एंड एल्जिन एंड रेड एल्गी का सेलवल क्या होता है, सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। रेड एल्गी का सेलवल क्या होता है, सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। ब्राउन एल्गी का सेलुलोज क्या होता, सेलवल क्या होता है, सेलुलोज एंड एल्जिन। ग्रीन एल्गी का सेलवल क्या होता है, सेलुलोज। अरे वाह, नहीं याद है तो रट लो, याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन एल्गी में जूस पोर होता है, ब्राउन एल्गी में भी जूस पोर होता है, रेड एल्गी में जूस पोर नहीं होता है। अच्छा, मतलब तुम अलग हो ना रेड एल्गी। चलो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल क्या है, क्लेमिडोमोनास, यूरोथ्रिक्स एंड स्पैरोगैरा। ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल है फ्यूकस, सार्गासम, एक्टोकार्पस। रेड एल्गी की एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, जेलीसिफोनिया, जेलीडियम एंड पोरफायरा। चलो याद हो गया, रेड एल्गी की एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, जेलीडियम, पोरफायरा। ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल है फ्यूकस, सार्गासम, एक्टोकार्पस एंड ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल क्या है, क्लेमिडोमोनास, यूरोथ्रिक्स एंड स्पैरोगैरा। क्या है, क्लेमिडोमोनास, यूरोथ्रिक्स एंड स्पैरोगैरा। चलो एल्गी तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लैमिनेरिया एंड सार्गासम, ये नाम तो सुना सुना है। हाँ, ये एज अ फूड यूज़ होते हैं सम कंट्री में। एंड लेमिनेरिया एंड सार्गासम किसके एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का, ये याद रखना ठीक है। दो बार बोलो, लेमिनेरिया एंड सार्गासम ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है। यहाँ फंगस नहीं, यहाँ फ्यूकस। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। ये भी ब्राउन एल्गी ही है, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। नेक्स्ट पॉइंट है लेमिनेरिया एंड एस्कोफाइला में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, ये भी याद कर लेते हैं। लेमिनेरिया एंड एस्कोफाइला में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, ये भी ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्जिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड इज ऑब्टेंड फ्रॉम फंगस नहीं, फ्यूकस, यहाँ गलती लिखा हुआ है। फ्यूकस एंड लिवरवर्ट्स दैट ग्रो इन मॉइस्ट सैडी रीजन, ये तो हमें पता है कि लिवरवर्ट्स मॉइस्ट सैडी रीजन में ग्रो करते हैं, बट एल्जिनिक एसिड भी लिवरवर्ट्स एंड फ्यूकस से
ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ब्रायोफाइटा पर आते हैं। ब्रायोफाइटा भी क्रिप्टोगेमी के अंदर ही ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं होता है ये। अब ब्रायोफाइटा नॉन वेस्क्यूलर मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स हैं जो मॉइस्ट सेडी रीजन में ग्रो करते हैं। इन्हें एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं, बट वाटर के बिना इनका लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकता है क्योंकि वाटर में ही इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। ये इस पॉइंट तो बहुत ही जनरल पॉइंट था जो सब मैक्सिमम सब लोग इसको याद ही रहता है। ब्रायोफाइटा में रूट अब्सेंट होते हैं लेकिन रूट के जगह पर राइजोइड होते हैं। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन ट्यूबर जेम्मा एंड बड के थ्रू होता है। इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। एंथेरिडियम एंड आर्किगोनिया मीन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथेरिडियम है मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हो कि एंट यानी चींटी यानी कि मेल, आर्किगोनियम यानी कि आर्ची, इसका आगे वाला वर्ड यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। इनमें फीमेल गैमेट यानी जिसे एंथेरोजोइड भी एग और ओस्पोर भी कहा जाता है। फाइटा के जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होता है। ब्रायोफाइटा फर्दर हेपेटोकॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा में डिवाइडेड है। हेपेटोकॉप्सिडा यानी कि लिवरवर्ट्स, ब्रायोप्सिडा यानी कि मोसेस। चलो अब लिवरवर्ट्स पे आते हैं। लिवरवर्ट्स का जो थैलस है वो डोर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। इनमें लीफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इनमें जो राइजोड होता है जो रूट के जगह पे वो यूनिसेलुलर होता है। स्केल्स मल्टी सेलुलर है। ये कम्प्लीटली पैरासाइट स्पोरोफाइट है और स्पोरेंजियम है। यहाँ पे तो ये बहुत शॉर्टी नोट्स दिया है, ये तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा और आप लोग देखना प्लांट किंगडम हम लोग बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को इससे पहले आपको चैप्टर पढ़ के आना होगा, उसके बाद इस वीडियो को देखो, आप लोग को सच में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लिवर वर्ड्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन थैलस के थ्रू होता है। इनमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यानी जेमा होते हैं। ये जो जेमा है वो मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड है। जो नेमास्टेज एंड लिफेस्टेज इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड सेकेंडरी प्रोटोनोमा में बडिंग के थ्रू होता है। इनमें जो सेक्स ऑर्गन होता है वो लीफी शूट पर डेवलप होता है। मोसेस के एग्जांपल है फ्यूनेरिया पॉलीट्रैकम एंड स्पेनम। ये नाम याद रखना, फ्यूनेरिया पॉलीट्रैकम एंड स्पेनम। एंड लिवर वर्ड्स का एग्जाम्पल होता है मर्जेंटिया। तो देखा आप लोगों ने, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा हो गया रिवाइज। अब टेरिडोफाइटा पे आते हैं। टेरिडोफाइटा सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है। इनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बट वेसल अब्सेंट होता है। टेरिडोफाइटा के कुछ प्लांट्स यानी जैसे कि सिलेजिनेला में कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉन प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो स्पोरेंजिया होता है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल से। एंड ये स्पोर मल्टी सेलुलर थैलॉइड यानी कि प्रोथेलस को जर्मिनेट करते हैं। इसमें जो गैमेटोफाइट है वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया बिल्कुल ब्रायोफाइटा की तरह होता है। एंड टेरिडोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा प्रोड्यूस स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड यानी कि होमोस्पोरस, लेकिन सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस यानी कि सिमिलर साइज के नहीं होते हैं। एक लार्ज एंड दूसरा स्मॉल होता है। लार्ज वाले स्पोर को मेगास्पोर एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं, एंड स्मॉलर माइक्रोस्पोर यानी कि जो स्मॉल साइज का होता है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। टेरिडोफाइटा कुछ क्लास में डिवाइडेड है। सैलोप्सिडा इसका एग्जांपल सैलोटम है। लाइकोप्सिडा इसका एग्जांपल लाइकोपोडियम सिलेजिनिला। स्फेनोप्सिडा इसका एग्जांपल इक्विसेटम। एंड स्पेलिंग फैलोकोप्सिडा होगा इसका एग्जांपल टेरेस एंड एडियंटम है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसलिए आप लोग इस एग्जांपल कभी मत भूलना। टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है सैलोटम लाइकोपोडियम सिलेजिनिला इक्विसेटम टेरेस एंड एडियंटम। सैलोटम सैलोप्सिडा का एग्जांपल है, लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा का, इक्विसेटम स्फेनोप्सिडा का, टेरिस एंड एडियंटम है फाइलोकॉप्सिडा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टोगेमी विदाउट सीड वाले प्लांट कंप्लीट हुआ। अब फेनेरोगेमी सीड वाले प्लांट्स पर आते हैं जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बहुत ही कम समय में भी नहीं है। इसमें आप लोग के एनसीईआरटी के लगभग सारे पॉइंट्स इंक्लूड भी हैं। तो चलो अब जिम्नोस्पर्म देखते हैं। जिम्नोस्पर्म वैसे प्लांट होते हैं जिनमें ओव्यूल्स जो होता है वो नेक्ड होता है एंड ओवरी वॉल के इनसाइड होता है। ये
इसमें जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड एंड ब्रांच दोनों टाइप के होते हैं। अगर स्टेम ब्रांच है तो वो पाइनस है, और अनब्रांच है तो वो साइकस है। जिम्नोस्पर्म का जो रूट टाइप होता है वो टैप रूट होता है। इसका जो लिव है वो सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ये सबको पता है कि इसमें टैप रूट फंड होते हैं, इसके लिव सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ये हेटरोस्पोरस होते हैं, ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। मेगास्पोर यानी कि फीमेल स्ट्रोबिलाई एंड माइक्रोस्पोर यानी कि मेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। इसका एग्जांपल है पाइना साइका सेड्रस गिंको। ये एग्जांपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एनसेट में भी दिया हुआ है। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है पाइना साइका सेड्रस गिंको जिंको, पाइना साइका सेड्रस जिंको। अब नेक्स्ट और लास्ट है एंजियोस्पर्म एंड लास्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बचा हुआ है। एंजियोस्पर्म के बारे में सबको पता है, ये फ्लावरिंग प्लांट भी है, इनमें वैस्कुलर टिश्यू भी होता है। इनमें जो फ्लावर सीड है वो इन फ्रूट के इनसाइड होते हैं। एंजियोस्पर्म में ओव्यूल वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के होते हैं। इनका साइज वेरी करता है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक 0.1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। एंजियोस्पर्म के सबसे टॉल ट्री कौन सा है? यूकेलिप्टस। एंड सबसे शॉर्ट वाला प्लांट कौन है? वॉल्फिया। वॉल्फिया का साइज 0.1 सेंटीमीटर एंड यूकेलिप्टस मोर देन 100 मीटर। एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू क्लास, डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन। चलो अब डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन को देखते हैं। मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन को देखते हैं। मोनोकोटिलेडन में सिंगल कोटिलेडन होता है, डाइकोटिलेडन टू कोटिलेडन होता है। ये सबको पता है। डाइकोटिलेडन रेटिकुलेट विनेशन, मोनोकोटिलेडन पैरेलल विनेशन, फाइब्रस रूट सिस्टम। डाइकोटिलेडन में टैप रूट सिस्टम, इसमें ओपन वेस्कुलर बंडल है। मोनोकोटिलेडन में क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है, इसमें वेस्कुलर बंडल का नंबर ज़्यादा होता है। डाइकोटिलेडन वेस्कुलर नंबर कम होता है। डाइकोटिलेडन का एग्जाम्पल है ग्राम, मैंगो, एप्पल। मोनोकोटिलेडन का एग्जाम्पल है बनाना, व्हीट, राइस, शुगर कैन, बैम्बू, ETC। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबको पता है, तो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी ये फास्ट डिविजन है, तो जो पॉइंट अच्छे से याद हैं उसके डिस्कस करने छोड़ के एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना सही रहेगा। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल पैटर्न शो करते हैं। एंजियोस्पर्म अपनी लाइफ साइकिल को टू फेज में कंप्लीट करता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पे कुछ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के कुछ फेनोमेना दिया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सारे प्लांट्स में तीन टाइप का लाइफ साइकिल होता है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वॉलवॉक्स एंड स्पायरो वगैरह में शो होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स में शो होता है। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स यानी कि फनेरोगैमी यानी कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हैप्लोडिप्लॉन्टिंग लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में शो होता है, यानी कि बिना सीड वाले प्लांट्स यानी कि क्रिप्टोगैमी, लेकिन थैलोफाइटा यानी एल्गी में नहीं होता है। तो देखा आप लोगों ने प्लांट किंगडम कितना जल्दी रिविज़न हो गया एंड याद भी हो गया। जिन्हें याद नहीं था वो लोग आप लोग इस तरह बोल बोल कर याद भी कर सकते हो। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स था एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिविज़न था, फास्ट रिविज़न हो गया। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स भी कवर हो गए। अगर ये रिविज़न वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।